नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 7 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाअभियान के तहत बिहार ने पार की 10 लाख टीकाकरण का आंकड़ा। बिहार में मोबाइल ऐप से मिड डे मील की होगी निगरानी। बाढ़ का जायजा लेने पटना पहुंची केंद्रीय टीम। सीएम नीतीश ने सुनी जनता दरबार पहुंचे हर फरियादी की बात। रिटायर होने पर पुलिस कर्मियों को पेंशन के लिए नहीं करना होगा अब इंतजार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM ने निकाली रिक्तियां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM ने स्टाफ नर्स, साइकियाट्रिक नर्स, सिटी स्कैन टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, पैरामेडिकल वर्कर, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल असिस्टेंट, काउंसलर, आयुष MO, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सुपरवाइजर, STS, कोल्ड चेन टेक्नीशियन, ऑडियोमेट्रिक सहायक, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, ट्यूटर, जिला सामुदायिक प्रबंधक, लेखाकार के लिए कुल मिलाकर 104 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं या ITI या GNM या BSc या नर्सिंग या 10+2 या MSW या PG, आयुष या BUMS या BHMS, BCOM, DMLT और अनुभव का होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.nhm.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। मोबाइल ऐप से मिड डे मील की होगी निगरानी। बिहार में स्कूल खुलने के बाद शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर बिहार सरकार ने अपनी तैयारी तेज कर दी है, जिसके तहत अब बिहार में मिलने वाले मिड डे मील की निगरानी भी होने वाली है। इसको लेकर मोबाइल ऐप को तैयार करने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद से अब मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन और किचन में सफाई और बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जाँच अब की जा सकेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से अधिकारियों को नियुक्त करने का काम किया जाएगा। जानकारों की माने तो शिक्षा विभाग की तरफ से नियुक्त किए गए अधिकारी स्कूलों में जाकर या फिर ऐप के माध्यम से निगरानी करेंगे, साथ ही साथ फीडबैक रिपोर्ट भी बनाएंगे। आज से भरे जा सकेंगे दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन। बीते दिन दूसरे चरण के पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से दूसरे चरण को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो कि 13 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसके तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो दूसरे चरण में नामांकन का हिस्सा बनने चाहते हैं, ऐसा उम्मीदवार अब नामांकन कर सकते हैं। ज्ञात हो दूसरे चरण में कुल 34 जिलों में 48 प्रखंडों में पंचायत चुनाव का आयोजन होने वाला है। हालांकि नामांकन भरने वाले उम्मीदवार इस बात का पूरा ख्याल रखें कि नामांकन भरने के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ नियमों को लागू किया है, उसका पालन जरूर हो। इसके साथ ही पर्चा दाखिला के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। प्रखंड स्तर पर BDO निर्वाची पदाधिकारी बनाए गए हैं। जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम का हाल। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक अगले सप्ताह में पूरे देश में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इससे उम्मीद है कि मानसून के दौरान कम हुई वर्षा की कुछ हद तक भरपाई हो जाएगी। 6 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसके तहत मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार के अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत मौसम विभाग के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। अगले 2 से 3 दिनों तक अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि तराई के जिलों में 6 से 8 सितंबर के बीच कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। सीएम नीतीश ने सुने जनता दरबार पहुंचे हर फरियादी की बात। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता दरबार में जनता की शिकायत सुनने बैठे। इस दौरान उन्होंने गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी, खान, भूतत्व और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ी शिकायतों को सुना, जहां सबसे अधिक मामले भूमि और पुलिस से देखने को मिले। इस दौरान समस्तीपुर की एक लड़की ने STF के DSP पर आरोप लगाए, तो वहीं एक फरियादी ने सीएम नीतीश से कहा कि बंदूक का लाइसेंस को लेकर चक्कर लगा रहे हैं। वहीं मोतिहारी के पताही से आई एक लड़की ने सीएम नीतीश से गुहार लगाई कि उनके पिता कोई झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं, जिसके कारण 8 महीने से पूरा परिवार तबाह है। वहीं सिवान के एक शख्स ने पुलिस पर कई आरोप लगाए, जिसके बाद सीएम नीतीश ने सभी मामले में तुरंत ही समाधान निकालने का आदेश जारी किया है।
बाढ़ का जायजा लेने पटना पहुंची केंद्रीय टीम। बीते दिन अपने वायदे अनुसार बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने केंद्रीय टीम बिहार पहुंची, जिसका नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश कुमार सिंह कर रहे हैं। यह टीम दो दिनों तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाली है। ज्ञात हो कि इस टीम में विभिन्न मंत्रालयों के 5 और अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिसके बाद ही बीते दिन पहुंची टीम ने नुकसान का आकलन करने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार के अधिकारियों से चर्चा कर ली है, जिसके बाद अब टीम बिहार के बाढ़ प्रभावित 13 जिलों में बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान का जायजा लेगी। बिहार सरकार ने केंद्रीय टीम को अपनी तरफ से हुए आकलन का विस्तृत ब्यौरा दिया है। इसमें बाढ़ से बिहार को अब तक कुल 3,763.85 करोड़ रुपए की क्षति की जानकारी दी है। बिहार सरकार के प्रेजेंटेशन के मुताबिक सबसे अधिक नुकसान जल संसाधन विभाग को हुआ है। 1,469.99 करोड़ खर्च से निर्मित बांध बाढ़ में बह गए हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे कुमारी राधा की। कुमारी राधा हिंदी और मगही की प्रख्यात कवित्री थी। कुमारी राधा का जन्म 7 सितंबर 1936 को सुपौल बिहार के जीवाजपुर गांव में हुआ था। वो 5 बच्चों के परिवार में दूसरी बेटी थी। उनके पिता डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद, उनकी मां इंदिरा देवी, उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गाँव से ही की और उन्होंने 1966 में पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया। बाद में उन्होंने 1968 में मास्टर्स एमए हिंदी पूरा किया। उन्होंने अपने छात्र जीवन में साहित्य, कला, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में रुचि लेना शुरू कर दिया। श्रम रोजगार विभाग पटना बिहार से विभागीय पत्रिका श्रमिक के सहायक संपादन पद से सेवानिवृत्त हुई थी। कार्यपालक सहायक अभ्यर्थियों ने खटखटाया सीएम नीतीश के दरबार का दरवाजा। सीएम नीतीश ने बीते दिन एक बार फिर से जनता की फरियाद सुनी। इस दौरान उनसे मिलने 2018 में चयनित कार्यपालक सहायक अभ्यर्थी भी पहुंचे थे, जो अब तक नियुक्ति नहीं होने से काफी परेशान नजर आ रहे हैं और अपनी परेशानी को लेकर ही सीएम नीतीश के दरवाजे पर पहुंचे थे। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि 8,200 पदों के करीब पद पर नियुक्ति होनी थी, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों में से आधे से भी कम की नियुक्ति हुई है। जो लोग बच गए हैं अब उसमें पेच फंसाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से आप लोगों को रखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री से हम यहां गुहार लगाने आए हैं कि जल्द हम लोगों का नियोजन हो जाए। हम लोग 2018 से ही इंतजार कर रहे हैं। संजय जायसवाल को अस्पताल से मिली छुट्टी। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बीमारी का सामना कर रहे बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बीते कई दिनों से अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे, जिसके बाद से लगातार उनके परिवारजनों और समर्थक उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे, जिसके बाद बीते दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जिसके बाद ही वो अपने बेतिया स्थित घर पर आराम कर रहे हैं। ज्ञात हो अपनी बीमारी के कारण संजय जायसवाल बीते 10 दिनों से पटना के एम्स में भर्ती थे, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया के माध्यम से दी थी, जहां उन्होंने बताया था कि उनके चमड़े में ग्रेड 1 बर्न है, इसलिए वो किसी से मिल नहीं सकते हैं। बिहार में आज मातृ वंदना सप्ताह का है आखिरी दिन। भारत सरकार की तरफ से गर्भवती महिलाओं को उनके पहले प्रसव के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद की जाती है, जिसके तहत 5,000 रुपए दिए जाते हैं। इसे लेकर बिहार में मातृ वंदना सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है। इसका लाभ बिहार सहित देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मिलता है। इसके लिए गर्भवती महिलाओं को सिर्फ नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी जमा कर रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा और फिर 3 किश्तों में 5,000 रुपए मिल जाएंगे। महाअभियान के तहत बिहार ने पार किया 10 लाख टीकाकरण का आंकड़ा। कोरोना टीकाकरण को लेकर इन दिनों बिहार में महाअभियान चलाया जा रहा है। इस महाअभियान के तहत बिहार ने 10 लाख टीकाकरण के आंकड़े को पार कर लिया है, जिसके तहत अब बिहार में टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ के पार पहुंच गया है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। जिसके तहत बीते दिन इस बाबत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि बिहार की जनता को यह सूचना देते हुए बेहद ही खुशी हो रही है कि बिहार में टीकाकरण 4 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है, जिसके तहत अब बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करना और आसान हो गया है। गोपाल मंडल पर एफआईआर दर्ज होने के साथ ही पुलिस ने खंगाला सीसीटीवी फुटेज। जदयू विधायक गोपाल मंडल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आरा रेल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसके तहत आरा रेल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये विवाद जिस समय हुआ उस समय ट्रेन आरा रेल पुलिस के क्षेत्र में ही थी। पुलिस ने इस मामले में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है। ज्ञात हो कि तेजस राजधानी एक्सप्रेस में गोपालगंज के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल और एक सहयात्री के बीच गर्मागर्मी हो गई थी। विवाद विधायक गोपाल मंडल के ट्रेन की बोगी में अंडरवियर और बनियान में घूमने से पैदा हुआ, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। जातीय जनगणना पर बोले सीएम नीतीश,
बिहार में इन दिनों जातीय जनगणना की खूब मांग उठाई जा रही है। इसी बीच पीएम मोदी से भी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। हालांकि इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी की तरफ से फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इन सब के बीच सीएम नीतीश ने इस मुद्दे पर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, जवाब आएगा तो हम आप लोगों को बता देंगे। सभी राज्य से जातीय जनगणना की मांग उठ रही है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, पर जातीय जनगणना समाज को बांटने के लिए नहीं बल्कि समाज की एकजुटता के लिए जरूरी है। एक बार जातीय जनगणना हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बिहार को आईटी हब बनाने की शुरू हुई तैयारी। बिहार सरकार में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहल से बिहार को आईटी हब बनाने की योजना पर काम हो रहा है। इस बाबत सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री जीवेश कुमार ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में विकास के सभी क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। बिहार देश में जीडीपी वृद्धि के मामले में सबसे अच्छा काम करने वाले राज्यों में से एक है। पटना में पहले सूचना और प्रौद्योगिकी पार्क का निर्माण काम चल रहा है। बिहार में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में भारी वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में के प्रति व्यक्ति की NSDP 13.41% के कगार से बड़ी है। राज्य सरकार ने राजगीर नालंदा में 100 एकड़ भूमि पर एक आईटी सिटी बनाने का निर्णय लिया है। बुखार को लेकर शुरू होगी खास मुहिम। बिहार में वायरल बुखार वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा मामले पटना जिले में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अब बिहार सरकार इस मामले में संगीन होकर काम करने जा रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग अब जल्द ही पूरे बिहार में पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर घर घर और मोहल्ले में सर्वे का काम करने वाली है। इस दौरान बुखार और टीबी रोगी ढूंढे जाएंगे और कोरोना टीकाकरण के अलावा नियमित टीकाकरण का लाभ नहीं पाने वालों की सूचना तैयार की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कोविड मौसमी बीमारी के प्रति सतर्क का स्तर बढ़ाना होगा। लक्षण वाले मरीजों को ढूंढा जाए और उनकी जांच कराई जाए। सर्वे के दौरान लोगों को कोविड के प्रति जागरूक किया जाएगा। लोगों को मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियों के लक्षण आदि के बारे में जागरूक किया जाएगा। अंचल निरीक्षक की हुई गिरफ्तारी। बिहार में दाखिल खारिज के नाम पर घूस लेने वालों की कमी नहीं है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण बीते दिन देखने को मिला, जब धनरुआ में अंचल निरीक्षक उमापति प्रसाद को दाखिल खारिज के नाम पर घूस लेते हुए पकड़ा गया, जिसके तहत निगरानी विभाग ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। यह मामला निगरानी के सामने तब आया जब फजलचक निवासी अनिल कुमार से दाखिल खारिज के नाम पर प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा 4,000 रुपए घूस मांगे गए थे, जिसकी जानकारी पीड़ित व्यक्ति ने बीते दिन निगरानी विभाग को दी, जिसके बाद ही निगरानी विभाग की टीम ने प्रभारी अंचल निरीक्षक धनरुआ को रंगे हाथों घूस लेते हुए दबोच लिया। ज्ञात हो कि आए दिन मसौरी अंचल से ये शिकायतें मिलती रही हैं कि अंचल कर्मियों की तरफ से दाखिल खारिज के एवज में लोगों से पैसे लिए जाते रहे हैं। रिटायर होने पर पुलिसकर्मियों को पेंशन के लिए नहीं करना होगा इंतजार। अब वैसे पुलिसकर्मी जो पेंशन लेते हैं उन्हें अपने पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि पुलिसकर्मियों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने विशेष व्यवस्था करने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि अब हर महीने ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की जाएगी जो अगले 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी पुलिसकर्मियों की अलग अलग फाइल खोली जाएगी, जिसके बाद अब रिटायर होने वाले सभी पुलिसकर्मी से संबंधित किसी भी तरह के पत्राचार की कॉपी इसी फाइल में रखने का काम किया जाएगा। ज्ञात हो कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिसकर्मी रिटायरमेंट के 6 महीने के बाद भी पेंशन के बिना इधर उधर भटकते रहे हैं। यही कारण है कि पुलिसकर्मी रिटायरमेंट के 6 महीने पहले ही अपने सभी पेपर्स को एकजुट कर उसे ठीक करने में जुट जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने अब यह निर्णय लिया है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किया कृषि यंत्रों की मरम्मती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन। बीते दिन कृषि विभाग मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के अंतर्गत स्वरोजगार सृजन के लिए कृषि यंत्रों की मरम्मती करने के लिए आवासीय प्रशिक्षण योजना का उद्घाटन कृषि अभियंत्रण कर्मशाला मीठापुर कृषि फार्म पटना में कर दिया है। इस दौरान मंत्री जी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि यंत्रों की भूमिका बेहद ही जरूरी होती है। बिहार में किसानों द्वारा बड़ी ही संख्या में उन्नत कृषि यंत्र का उपयोग खेती करने के लिए किया जाता है, लेकिन सुदूर क्षेत्रों में खेती उपकरणों की मरम्मती और उचित रखरखाव के लिए तकनीकी रूप से मरम्मत करने वालों की कमी रहने के कारण किसानों के बहुत से यंत्र अनुपयोगी हो जाते हैं। इस समस्या के निदान के लिए ही इस प्रशिक्षण को शुरू किया जा रहा है। करने के नोटिस के बीच चिराग ने 12 जनपद पर लगाई पिता की मूर्ति।
चिराग पासवान को हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से 12 जनपद बंगले को खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। हालांकि अभी इस नोटिस पर चिराग ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने इस बंगले में रामविलास पासवान की मूर्ति की स्थापना करवा दी है, क्योंकि यह बंगला पिछले 30 सालों से रामविलास पासवान के नाम पर ही आवंटित था, जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारे में इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चाएं होने लगी है, क्योंकि हाल ही में यह बंगला केंद्रीय आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित किया गया है। लेकिन अब जब चिराग ने बंगले में मूर्ति लगवा दी है तो आगे केंद्र की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। कोरोना के माहौल में सेहत पर खर्च करने के मामले में बिहार ने कई राज्यों को छोड़ा पीछे। कोविड-19 के माहौल में सेहत पर खर्च करने के मामले में बिहार वासियों के कई राज्यों को पीछे छोड़ने का काम किया है, जिसके तहत बिहार दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं पहले नंबर पर असम है, यानी कि बिहार वासी असम राज्य को छोड़कर बाकी सभी राज्यों की तुलना में अपनी सेहत पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जिसका खुलासा अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफेम ने किया है। ऑक्सफेम की तरफ से साझा की गई जानकारी के मुताबिक बिहार में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के नेटवर्क के विस्तार ने कोरोना की मारक असर को कमजोर किया है। वर्तमान समय में बिहार सरकार ने जीडीपी का 2% स्वास्थ्य सुविधाओं की संरचना विकसित करने में खर्च किया है। यह असम के बाद देश के किसी भी दूसरे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से ज्यादा है। के सपोर्ट में उतरी भाजपा। लगातार राजद और दोनों भाइयों का विरोध करने वाली भाजपा अब तेज प्रताप के समर्थन में उतर गई है। जिस भाजपा ने अब तक तेज प्रताप की शिक्षा और बुद्धि पर सवाल उठाया था, आज आलम यह है कि उसी भाजपा ने तेज प्रताप को टैलेंटेड घोषित कर दिया है, और यह हुआ है तेज प्रताप यादव के अलग संगठन छात्र परिषद के निर्माण के बाद। इस बाबत भाजपा नेता मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि तेज प्रताप यादव बहुत टैलेंटेड नेता है और उन्होंने अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए नए छात्र विंग का गठन किया है। बिहार सरकार के मंत्री ने नए छात्र विंग के लिए तेज प्रताप यादव को बधाई भी दी। लालू यादव तेज प्रताप यादव को टैलेंट के हिसाब से पार्टी में सही पद नहीं दे रहे हैं, उन्होंने ये बात भी कही। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पटना हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सुशांत की संदेहास्पद जान जाने के मामले में सुनवाई की। साथ ही साथ सुनवाई के बाद राज्य सरकार को मामले की मेरिट तय करने का निर्देश दिया है, जो कि LLB के छात्र देविंदर देवता दीन दुबे ने लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त आदेश जारी किया है। इस दौरान याचिकाकर्ता ने जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद जान जाने के 45 दिन तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। अनुसंधान में विलंब होने से साक्ष्य मिटा दिए गए हैं, जिसके बाद अब कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद करने की बात कही है। चौथे टेस्ट मैच में जीती भारतीय टीम, स्कोर हुआ 2-1। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला कनिंगस्टन ओवल में खेला गया, जिसमें भारत को जीत मिली है। मैच के चौथे दिन भारत ने दूसरी पारी में 466 रन बनाए और साथ ही मेजबान इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 368 रन का लक्ष्य रखा था। चौथे दिन इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान से 77 रन बनाए थे। मैच के आखिरी दिन इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 10 विकेट के नुकसान के साथ 202 रन बना लिए। इंग्लैंड 154 रनों से मैच हार गई है। भारतीय टीम की पहली पारी में 191 रन पर आउट हो गई थी और इसके बाद शायद ही किसी ने सोचा था कि भारत की टीम इस तरह से कम बैक करेगी। इंग्लैंड ने मैच की पहली पारी में 290 रन बनाए थे और 99 रनों की बढ़त ली थी, जिसके बाद अब चौथे टेस्ट मैच को भारतीय टीम ने जीत लिया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना साल 1906 में आज ही के दिन हुई थी। भारतीय सीमा पर साल 1965 में चीन द्वारा सेना की तैनाती की घोषणा आज ही के दिन हुई थी। भारत अमेरिका परमाणु करार के तहत NSG के 45 सदस्यों ने 2008 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से परमाणु व्यापार की छूट आज ही के दिन दी थी। बंगाल के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी, राज्य के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य व तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी के बीच साल 2008 को सिंगूर में टाटा मोटर्स के मामले में सहमति आज ही के दिन बनी थी। भारत के पंकज आडवाणी ने साल 2009 में विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स का खिताब आज ही के दिन जीता था। 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2007 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब निर्देशक प्रियदर्शन की फिल्म कोजीवरम को साल 2009 में आज ही के दिन मिला था। अशोक चक्र विजेता विमान परिचारिका नीरजा भनोट का जन्म साल 1963 को आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक BR इशारा का जन्म साल 1934 को आज ही के दिन हुआ था। ये जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 6 सितंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,840 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,070 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,300 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.89 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.54 रुपए प्रति लीटर था।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रविंद्र पासवान, मोहम्मद अनवर, उमेश यादव, शशि भूषण, अपीन यादव, कुलवंत सिंह, नीतीश कुमार, रामू कुमार, अरविंद कुमार, भोजपुरी शॉर्ट, अनंत कुमार, विनोद कुमार, मंजीत पांडे, सूरज कुमार, रवीन कुमार रॉय, धर्मवीर कुमार, अरविंद कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार ईशान किशन को आगामी T20 वर्ल्ड कप में शामिल करना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।